सोनिया गांधी के घर से अरुण सिंह हमारे सहयोगी मौजूद थे और किस तरीके से उन्होंने सारे अपडेट हम तक पहुंचाए। और कुल मिलाकर आज का जो दिन है वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज ही जो फाइनल फॉर्मूला है वो सामने रखा जाता है और कैप्टन अमरिंदर की मुलाकात भी सोनिया गांधी से होनी है। 3 से 4 बजे के बीच ये मुलाकात होनी है। अब आपको दिखाते हैं कि पंजाब में बिजली संकट पर नवजोत सिंह सिद्धू ने क्या ट्वीट किया। नवजोत सिंह सिद्धू ने लिखा, पंजाब सरकार पहले से ही 9,000 करोड़ की सब्सिडी देती है लेकिन हमें घरेलू और इंडस्ट्रियल उपभोक्ताओं को 10 से 12 रुपए प्रति यूनिट सरचार्ज की बजाय 3 से 5 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली देनी चाहिए। साथ ही 24 घंटे की सप्लाई, कोई पावर कट नहीं और 300 यूनिट तक फ्री में बिजली दी जानी चाहिए। इसे आसानी से हासिल किया जा सकता है। अमित पांडे भी हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, देखिए यहाँ पर सिर्फ क्या समस्या इस बात से सुलझ जाएगी कि नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए, क्योंकि खुद नेता बाजवा साहब भी देखिए कल सामने आए और उन्होंने भी कहा कि बिजली जो है उस पर भी सोचना चाहिए। 16 महीने बीत गए, श्वेत पत्र अभी तक नहीं आया, तो ऐसे में जो और मुद्दों पर अमरिंदर सिंह की मुश्किलें बढ़ी हुई थी, क्या वो भी खत्म हो जाएंगी आज के बाद से? हाँ जी बिल्कुल, इस मुलाकात के बाद यही उम्मीद कर रहे हैं अमरिंदर सिंह और कांग्रेस भी यही उम्मीद कर रही है कि ये क्राइसिस खत्म हो जाएगी। नवजोत सिंह सिद्धू कितने अहम हैं और वो किस तरीके की अपनी पोस्चरिंग कर रहे हैं उसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। पिछली बार सार्वजनिक रूप से जब वो दिल्ली आए थे तो प्रियंका गांधी के साथ उन्होंने अपनी फोटो ट्वीट की थी, इसका मतलब ये संदेश देने की कोशिश की थी कि पार्टी हाईकमान उनके साथ है। और आज उन्होंने ट्वीट कर बिजली के मुद्दे को लेकर पंजाब सरकार के ऊपर इनडायरेक्टली कमेंट किया है, तो वो एक ओर तो अमरिंदर सिंह के ऊपर निशाना साध रहे, दूसरी ओर ये भी वो संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि हाईकमान पूरी तरीके से उनके साथ है। तो अब ये देखना होगा कि आज की बैठक में क्या हल निकलता है, लेकिन उम्मीद कांग्रेस जरूर कर रही है कि जो ये शीर्ष नेता हैं जिनके बीच ये टसल का दौर चल रहा है वो आज वो अंत होगा और सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह दोनों को एक महत्वपूर्ण और सम्मानजनक जगह संगठन सरकार में जरूर मिलेगी। ठीक है, आप रही जरा साथ। इससे पहले बुधवार 25 जून को नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रियंका गांधी से दिल्ली में उनके आवास पर मुलाकात की थी। प्रियंका और सिद्धू के बीच करीब आधे घंटे तक बातचीत हुई जिसके बाद ये खबर आई थी कि सिद्धू को पंजाब में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है और ये भी खबर थी कि सिद्धू पर ये अहम फैसला प्रियंका, राहुल और सोनिया गांधी तीनों ने मिलकर लिया है, क्योंकि सिद्धू से हुई मुलाकात के पहले प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी से उनके घर पर मुलाकात की और सिद्धू से मुलाकात के बाद प्रियंका गांधी 10 जनपद पहुंची जहां उन्होंने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। 25 जून को प्रियंका के बाद सिद्धू राहुल से भी मिले थे। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व केंद्रीय नेतृत्व की ओर से कई दिनों पहले पंजाब के विवाद को सुलझाने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी जिसके समक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू समेत पंजाब के अन्य नेताओं ने अपनी बातें रखी थी। अरुण, अब देखिए अगर सुलह हो भी जाती है, दोनों के बीच बात बन भी जाती है, तो जो डैमेज हुआ है उसको कंट्रोल कैसे करेंगे? देखिए बड़ी चुनौती तो यही है कि 4.5 साल तक कैप्टन अमरिंदर सिंह एकदम ऐसा लग रहा था कि अगली सरकार वो बनाने जा रहे हैं। उन्होंने रिपोर्ट आलाकमान को दी थी कि हम चुनाव जीतेंगे आसानी से, क्योंकि जो किसान आंदोलन हुआ था, आप देखिए कि खेती किसानी एक बड़ा मुद्दा है पंजाब में और किसान आंदोलन के दौरान जिस तरह से अमरिंदर सिंह ने पंजाब के किसानों का समर्थन किया, उनको सुविधाएं दी, उनको दिल्ली बॉर्डर पर जब वो जमे हुए थे तो हर तरह की सुविधा कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनको दी गई। ये बातें ऑन द रिकॉर्ड भले ना माने लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड कांग्रेस के नेता ये मानते हैं कि जिस तरह से किसान आंदोलनरत थे उनको पीछे से सपोर्ट दिया था अमरिंदर सरकार ने, सरकारी अमले ने भी और पार्टी ने भी, और इसलिए कैप्टन अमरिंदर सिंह को लगता था कि उनकी सरकार की वापसी हो सकती है। लेकिन जिस तरह से ऐन वक्त पर प्रताप सिंह बाजवा से लेकर के और नवजोत सिंह सिद्धू, प्रगट सिंह, तमाम ऐसे नेता हैं, उन्होंने मोर्चा खोला, उसके बाद पार्टी की हालत वहां पर खराब है। पार्टी को ऐसा लगता है कि अब जो कमेटी की रिपोर्ट है सोनिया गांधी को, उसमें यह कहा गया कि अगर इस विवाद को जल्दी नहीं सुलझाया गया तो पार्टी के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, यानी अगला चुनाव जीतना मुश्किल होगा। ये बात आलाकमान भी जानता है, लेकिन मुश्किल ये है कि नवजोत सिंह सिद्धू का जो किरदार है, जिस तरह का उनका इतिहास रहा है, वो इतनी आसानी से नहीं मानते। कई नेता कांग्रेस के कहते हैं कि वो स्वयंभू हैं, वो खुद फैसला करते हैं कि उन्हें क्या करना है, वो किसी की बात में नहीं आते। यही वजह है कि प्रियंका गांधी से उनकी मुलाकात हुई लंबी, राहुल गांधी से लंबी मुलाकात हुई, लेकिन उनकी बात पर उनको शायद उतना एतबार नहीं है या उनकी भूमिका पर संतुष्ट नहीं है। आप देखिए कि राहुल गांधी के साथ मुलाकात हुई, कोई फोटोग्राफ उनकी बाहर नहीं आई, कोई बात उन्होंने नहीं कहा, कुछ ट्वीट नहीं किया। तो सवाल यह है कि क्या सोनिया गांधी राहुल और प्रियंका की राय को दरकिनार करके कोई फैसला लेंगी? और बिना अमरिंदर सिंह के
सहमति के उनको भी नजरअंदाज करके पंजाब में कोई फैसला मनवा लेना पार्टी के हित के खिलाफ होगा। वो इसलिए भी क्योंकि आप देखिए कि हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ताल ठोक रहे हैं, वहां पर अशोक गहलोत राजस्थान में ताल ठोक रहे हैं, दोनों जगह नेता उनके जो जूनियर हैं, चाहे आप हरियाणा की बात कर लीजिए, चाहे आप राजस्थान की बात कर लीजिए, चाहे पंजाब की बात कर लीजिए, जो सेकेंड लाइन लीडरशिप है उनको आगे बढ़ने देने के लिए नेतृत्व तो चाहता है, लेकिन वहां के जो स्टालवार्ट नेता है जिनके हाथ में वाकई सत्ता की कमान है, उनको जन समर्थन है, उनको MLAs का समर्थन है, वो वहां पे नहीं चाहते, और इसलिए आला कमान चूंकि कमजोर है इस वक्त, इसलिए वो अपनी राय मनवा नहीं पा रहा है। अमूमन कांग्रेस में ऐसा नहीं होता था, इंदिरा गांधी का भी दौर लोगों ने देखा है जब वो रातों रात CM बदल दिया करती थी एक चुटकी में, लेकिन आज वो स्थिति नहीं है क्योंकि नेतृत्व कमजोर है और इसलिए निर्णय लेने में देरी हो रही है। ठीक है, आप रही जरा सा, देखिए कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं, और इससे पहले राज्यसभा सांसद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रताप सिंह बाजवा ने भी पंजाब सरकार के खिलाफ बिजली नीति को लेकर मोर्चा खोल दिया था। और नीरज, अब केवल नवजोत सिंह सिद्धू ही समस्या नहीं है, बाजवा साहब भी समस्या है, वो भी अब बिजली के मुद्दे पर लगातार मोर्चाबंदी कर रहे हैं, घेर रहे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह को, यानी बगावती सुर जो पंजाब में उठ रहे हैं उसको आला कमान कैसे शांत कराएगा? देखिए, अमरिंदर सिंह की अगर बात करें तो अमरिंदर सिंह के लिए प्रताप सिंह बाजवा, नवजोत सिंह सिद्धू से पुरानी चुनौती है। आपको याद होगा कि 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले भी प्रताप सिंह बाजवा ने बहुत सवाल उठाए थे, लेकिन कांग्रेस ने तय किया था कि अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में ही पंजाब में चुनाव लड़ा जाएगा, और वहाँ पंजाब में कांग्रेस पार्टी ने एक अच्छी जीत दर्ज की थी अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में, और बार बार कहा जा रहा था कि अमरिंदर सिंह के नाम पे पार्टी की जीत हुई है, क्योंकि पंजाब के साथ जो बाकी चार राज्यों में कांग्रेस का प्रदर्शन था वो बहुत बढ़िया नहीं था। उत्तराखंड में कांग्रेस का सफाया हुआ था, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन बहुत खराब था, मणिपुर और गोवा में कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन तो अच्छा किया था लेकिन सरकार बनाने में नाकामयाब रही थी। तो ऐसे में ये माना गया कि पिछली बार जो चुनाव कांग्रेस पार्टी जीती थी पंजाब में वो अमरिंदर सिंह के नाम पर ही जीती थी। तो ऐसे में प्रताप सिंह बाजवा कोई बड़ी चुनौती पहली बार नहीं आए हैं, लेकिन हाँ, प्रताप सिंह बाजवा, नवजोत सिंह सिद्धू, प्रगट सिंह या कुछ और ऐसे नेता जो अंदर ही अंदर अमरिंदर सिंह की कार्यशैली से नाराज है, उससे कांग्रेस के अंदर अमरिंदर सिंह को दिक्कत जरूर हुई है, लेकिन कांग्रेस के नेताओं का मानना है कि बिना अमरिंदर के कांग्रेस की नैया को पार लगाना पंजाब में बहुत मुश्किल होगा। और दूसरी अहम बात है कि नवजोत सिंह सिद्धू को भी अब इस ऐन मौके पे, जबकि विधानसभा चुनाव आज से 6 से 7 महीने दूर है, ऐसे मौके पे नवजोत सिंह सिद्धू को भी नाराज करना पार्टी के लिए ठीक नहीं होगा। तो सोनिया गांधी की आज की कोशिश यही होगी कि अमरिंदर सिंह को उस टेबल पे लाया जाए ताकि नवजोत सिंह को अकोमोडेट किया जा सके संगठन में, खासकर क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी नवजोत सिंह सिद्धू को पार्टी का अध्यक्ष बनाना चाहती है पंजाब में। देखना होगा कि अगर इस पद के लिए सोनिया गांधी ऑफर करती है अमरिंदर सिंह को तो क्या वो मानते हैं। ठीक है नीरज, जरा आप रहिए, महाराष्ट्र से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जल्दी से उसका रुख भी कर लेते हैं। महाराष्ट्र से बड़ी खबर ये कि बीजेपी के